जैसे आप सब लोग ऐसा रखता हूँ आवाज़ आ रहा है होगा क्योंकि तो मैं सिलगुड़ी का हूँ, आया हूँ यहाँ पे नॉर्थ बंगाल साइंस अकेडमी में एग्जीबिशन के लिए। यहाँ पे आया हूँ और अभी फिलहाल दीदी के घर जा रहा हूँ, बगल में ही है इसीलिए वहाँ पे जा रहा हूँ। फ्रेश होकर फिर आऊँगा साइंस सिटी में, वहाँ पे मेरा एक एग्जीबिशन है। तो क्या बात है, जो भी बनाया है आपको दिखाऊँगा, ज़रूर दिखाऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं। ये देख लो नॉर्थ बंगाल साइंस सेंटर, और यहाँ पे दिखाएंगे आपको देखो एक डायनासोर है यहाँ पे मूर्ति वाला, और यहाँ पे देखो भाई ये लोग झूला में झूल रहे हैं बहुत मजे से और बहुत उछल रहे हैं। वही बात कुछ ऐसा है कि बहुत लंबा रूट है यहाँ से लेकर के एकदम वहाँ तक, और भाई साहब देखते रहो स्टिल वॉकिंग, बहुत लंबा रास्ता है लेकिन फिर भी चलना तो पड़ेगा। और अब हम आ गए हैं एकदम सेंटर में, अब चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे साइंटिस्ट हैं, जेसी बोस, होमी जहांगीर भाभा। ये गार्डन मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश कर रहा है, अंदर एक पॉन्ड टाइप का चीज़ है। अब हम जाएंगे अंदर महल में, चलिए देखते हैं महल के अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख लो, ट्वेंटी थर्टीन में मैं यहाँ पे आया था और तब भी ये था अपने स्कूल टीम के साथ जब आया था। सब कुछ वहाँ पुराने वाले ही है। देख लो भाई नीचे नहीं है ऊपर है, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिंपल टेक्नोलॉजी है। नीचे मिरर लगाया गया है एकदम 90 डिग्री से, जैसे जिससे कि देखने को ये लगता है। एक फिल्म में, एक तमिल फिल्म में भी ये दिखाया गया था। कलर व्हील, रिजर्व फॉरेस्ट है। वैसे इसको असली मत समझना। ये तो सिर्फ एक रिजर्व फॉरेस्ट है, हमारे फुलिक में तो इससे भी बहुत अच्छे अच्छे एकदम लाइव चीज आपको देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक मॉडल जैसा चीज है, देख सकते हो, आनंद ले सकते हो अगर कभी नहीं गए हो तो। लेकिन मेरे घर के बगल में है फुलिक बर्ड सेंचुरी, तो मुझे ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। आप नीचे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। देखो भाई गोल्डफिश देख लो, ये जो मछली है इसका प्राइस है 4,500 रुपया, वो भी छोटा वाला, बड़ा हो गया है तो सोच लो लगभग 20,000 का तो होगा ही। यहाँ पे अर्थ के साथ ये नहीं घूमेगा, और यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में सेट किया जाता है और फिर ये घूमता है। अभी हमारे देश में या फिर पूरे धरती में ही यही इसी को यूज़ किया जाता है जो है इक्वेटोरियल, इसको एक पर्टिकुलर रेंज में सेट करना पड़ता है। जब मैं इसको हिलाता हूँ तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन को चेंज कर रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। और यहाँ पे भी देखो लिक्विड जो एक्सचेंज हो रहा है, बेसिकली सिंपली एक मिरर है और यहाँ पे लिक्विड रखा गया है, डेंस लिक्विड, डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है जिसके कारण तीनों का डेंसिटी अलग है, इसलिए अलग अलग है। और तीनों का डेंसिटी अलग अलग होने के कारण आपस में डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। और भाई ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, म्यूजिक इन द एयर।
अच्छा है ना। वही सिंपल सा चीज है, डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा अलग है और इसलिए डिफ्यूजन नहीं है, एकदम आइसोलेटेड कंडीशन में, इसलिए ये भी एक कारण है डिफ्यूजन नहीं हो रहा। सिंपल सा चीज है, मतलब यहाँ पे देखो मोदी जी का एक्सप्रेस रूट, पहली बार मैं जब आया था ये उस घर में था, लेकिन अभी इस घर में शिफ्ट कर दिया गया है। बच्चों का खिलौना है, अच्छा ही लगता है थोड़ा बहुत, वहां से ऊपर उठाओ वहां से गिरा दो। और ये गिर गया। और भाई यहाँ पे देख लो डे नाइट का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से किया गया है, मतलब बेसिक सा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे होता है मैंने वही बार आपको बोला था कि ऑर्बिटल में जो होता है वही यहाँ पे दिखाया गया है, देख लो अच्छे से। कैमरा मैं लेके नहीं आया तो मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। सैटेलाइट का वर्क मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे वो दिखाया गया है। इस रूम में आपको वो छत के ऊपर दिखाया जाता है स्पेस कैसे सिस्ट हुआ था, लेकिन वो थ्योरी अभी बैन हो चुका है, बिग बैंग थ्योरी में दिखाया गया था वो अभी बैन हो चुका है। स्टीफन हॉकिंस ने दिया था ये बिग बैंग थ्योरी, लेकिन एक वैदिक साइंटिस्ट ने उसको टोटली रॉन्ग प्रमाण कर चुके हैं। और चिड़िया को देख के छोटे चिड़िया दिखाई नहीं।